हाय एवरीवन, हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? आप लोग देख सुन पा रहे हैं? हेलो 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 सर, बिल्कुल ठीक है। यस सर, तो एक तो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी चैम्प ये थोड़ा सा पीडीएफ में भेजा गया था, इसलिए ऐसा हो गया है, इसका स्लाइड्स नहीं था। तो एक चैम्प करके टेस्ट मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ठीक है? आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए 6 मंथ्स की अनअकैडमी स्कॉलरशिप है, ठीक है? और 1-to-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है? तो ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो इसका टेस्ट 26 तारीख को, एनरोलमेंट ले लीजिए। और टॉप पैनल्स होंगे जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा पैनल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना? और वो आपको करा रहे होंगे तैयारी, ठीक है जी? तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, ये बैच शुरू हो रहा है, एक्सपर्ट बैच जेई मेन एंड एडवांस्ड के लिए 26 जनवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है जी? 26 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तुम्हारा पहला सवाल है, आप देखते जाओ, फिर मैं इसमें हेल्प करता जाऊँ आपको, ठीक है? सर अभी तो ये हो रही है, इसके बाद कितनी होगी ये नहीं बता सकते बॉस, अभी तो ये हो रही है, ठीक है? अभी ये हो रही है, इसके बाद का नहीं बता सकते, ठीक है जी? हेलो बॉस, हाय शिवम। अब फटाफट देखते जाए, समझते जाए। तो अगर आप देखोगे क्या कह रहा है, टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क आर रोटेटिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन अराउंड देयर कॉमन एक्सिस, अबाउट देयर कॉमन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट डिस्क। मीटर स्क्वेयर, ठीक है? एंड ओमेगा वन जो है 10 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है? दूसरे का दिया हुआ है क्या, आई टू और ओमेगा टू, दोनों चीजें गिवन है। क्या करेंगे आप, एट सम इंस्टेंट दे गेट स्टक। अब दोनों को अगर एक साथ चिपका दिया गया तो क्या हो जाएगा बताइए? दोनों को अगर एक साथ चिपका दिया गया है तो क्या बनेगा बोलिए? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दोगे क्योंकि सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो होगा। तो आप क्या करोगे फाइनल, तो एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड हो जाएगा, है ना? तो इन टू ओमेगा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू। तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई तो निकाल सकते क्या? तो लिख दीजिएगा हाफ ये, ठीक है? कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट साइड नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, चिंता ना करें, सब दिखेगा। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अभी दिख रहा है बॉस, ठीक है? अभी दिख रहा है, अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा,
और जूम आउट, ये अब जूम आउट कर दिया, अब ये अपनी नॉर्मल स्थिति में है। अब दिखा, पॉल साहब आप एक बार जल्दी चेक करके बताइए क्या दिख रहा है आपको। पॉल साहब दिख रहा है आपको? जल्दी बताइए। तो ये मेरे ख्याल से अगर फर्स्ट हो गया हो तो इस ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर दिखेगा पहला वाला। अनिकेत पैता ऐसे चला, हाँ ये आपने अच्छा सवाल पूछा। अब आपको ऐसे पता चलेगा कि फाइनल क्या निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो जब दोनों को एक साथ रखेंगे तो दोनों का ओमेगा बदलेगा, बट ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो आपको ये पता चलेगा कि यार सिस्टम पे नेट टॉर्क ज़ीरो है, तो नेट टॉर्क ज़ीरो है तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते, तो पता लगा कैसे करेगा। हाँ लिखा हुआ मैं अगली बार चेंज कर दूंगा, अगले क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए फिर भी मैं ये देखो, ठीक है अब दिख रहा है अनमोल राज, अब अनमोल राज दिख रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, देखिए जल्दी एक बार अपनी तरफ से ट्राई करते जाइए, मैं बताता जा रहा हूं सभी। क्वेश्चन दिख गया सबको, फटाफट शुरू कर दीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, फिर मैं ये बताता जाऊंगा कि इस अप्रोच पे क्यों पहुंचे, इस अप्रोच पे हम क्यों पहुंचे, ये भी मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है जी। चलिए जल्दी कर लीजिए। कौन डिसलाइकर है यार, आते ही डिसलाइक में घुस जाते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या मतलब कुछ हैं जिनका कोई काम धाम नहीं है दुनिया में, है ना? ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इंक्रीज फ्रॉम इतना, इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय इतना, द परसेंटेज चेंज इन, तो अब इसका शुरू कैसे करोगे? तो क्वेश्चन को देखो कि मास डेंसिटी गिवन है, तो भाई मास डेंसिटी में क्या चेंज है वो निकालना है। तो भाई अगर टेम्परेचर बदलेंगे तो मास में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वॉल्यूम चेंज होता है। तो अगर मुझे वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज मिल जाए तो एग्जैक्टली वही चेंज डेंसिटी में उल्टा होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम डबल करोगे तो डेंसिटी हाफ होनी है, वॉल्यूम आधा करोगे तो डेंसिटी डबल होनी है। तो परसेंटेज चेंज इन अगर वॉल्यूम निकाले तो इसके लिए हमें गामा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, गामा फाइंड करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो बड़े आसानी से निकल के आएगा कि भाई कैसे आप वॉल्यूम से। तो मैं जरा सा समझा दे रहा हूँ दोनों मेथड, एक शॉर्ट और शॉर्ट क्या हो सकता है। तो पहले तो आप ये लिख दीजिए बॉस कि 0.02% का चेंज आया है, मतलब डेल एल इक्वल्स टू ऐसा। तो यहां से अब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको डेल एल बाई एल निकालना है, ये निकाल के रखना चाहिए, ठीक है। इस तरह के सवाल के लिए ये जरूर याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये जरूर याद रखिएगा आप, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है, कैलकुलेशन में फंस जाएंगे आप, है ना। ये तो आप यहां पे देखेंगे, अच्छा 10 डिग्री का टेम्परेचर चेंज है तो डेल एल को तो हम ऐसा लिख ही सकते थे, डेल्टा टी, डेल्टा टी गिवन है, तो यहां से डेल एल बाय एल अल्फा डायरेक्टली निकल गया क्या, डेल एल बाय एल इंटू वन बाय डेल टी। तो इसी को थ्री से मल्टीप्लाई कर दे तो ये गामा हो जाएगा
इसी को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये गामा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर आपने ऐसा लिख दिया ये, अब हम लोग डेल वी निकाल सकते हैं क्या? तो डेल वी अपॉन वी इक्वल्स टू दिस गामा इनटू इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम उठर के इधर आ गया इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पता है। तो जब बॉस ये मिल गया तो परसेंटेज चेंज मिल जाएगा क्या? तो जितने परसेंट से ये इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा उसका जस्ट ऑपोजिट तेरा डेंसिटी गया होगा, तो इस हिसाब से देखेंगे तो 4th आ जाएगा। बात समझ आई? ऐसे ही करा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। और उसके बारे में जरूर सोचिएगा, चैंप टेस्ट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है बॉस, है ना? तो मैंने जैसा बताया आपको बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो फटाफट, ठीक है? जल्दी करिए। अब इसमें क्या कह रहा है, कैपिलरी ट्यूब देखिए फटाफट, क्वेश्चन देखिए, कोई एक फटाफट लिख करके बताइए। क्वेश्चन बिल्कुल सही सलामत दिख रहा है, तो बस इसमें एक इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसमें क्या है, एक इंडा, अब हाइट की बात पूछ रही है, तो हाइट में तो हम लिखते हैं ना 2s cos थीटा बाय रो जी आर, ये तो एकदम फॉर्मूला रटते हैं आप। एस मतलब सरफेस टेंशन ही है। अब इसमें हमारे पास डायरेक्टली रेडियस गिवन है, और क्या गिवन है, देखो डेंसिटी गिवन है, और क्या गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, ये सारी चीज़ें पता है, थीटा नहीं पता है, लेकिन थीटा के लिए कुछ दिया हुआ है। अब देखो अगर हम देखेंगे तो थीटा के लिए कुछ दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है देखना, इसका रंग बदल दें कि भाई यहाँ से इसको बनने दीजिए और टेंजेंट खींच दीजिए, ठीक है? उस पॉइंट से टेंजेंट खींचिए तो कितना एंगल बना रहा है, ये दिया हुआ है। तो बेटा अगर ये एंगल दिया हुआ है तो अब हम ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? तो अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो जब थीटा भी पता लग गया तो एच निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं लगता कोई भी परेशानी, इसको जैसा लिखेंगे। समझ आई बात? तो इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और पता भी लगेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा, और तो फिर क्या करना है। देखिएगा, इसको देखिएगा जरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। यहां तक बातें समझ आई? अब इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है, अब ये सीधे 12th पे पहुंच गया, गाड़ी 11th चल रहा था, एकदम से 12th पे पहुंच गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें, तो अब ये B अगर इधर है तो फिर से एक सीधा सवाल हो गया। आप पैटर्न को समझिएगा, और जो हाय तौबा मचाते हैं ना उससे थोड़ा बाहर निकलिएगा। हाय तौबा, खूब गणित और ये फिजिक्स में जब लगाते हैं, लपेटते हैं ना, तो देखिएगा जेई मेन को कहाँ ले जा रहे होते हैं आप। देखिएगा ये है, तो V इधर है, तो इसको मैं इसके अंदर दिखा दूँ, ऐसा ये V हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ये यू, तो इफ़ दिस एंगल इज 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। तो अब आप देखोगे तो ये इधर, और एक दूसरा कंपोनेंट इस वेलोसिटी का इधर आएगा क्या? सो इट इज v cos 60 डिग्री एंड दिस इज v sin 60 डिग्री। ये v cos 60 डिग्री और ये v sin 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो v cos 60 एंड v sin 60, तो ये ऐसा
पात बनने लग जाएगा, ये ऐसा पात बनने लग जाएगा। तो ऐसा पात बनने का मतलब ये हो गया कि भाई ये अब पिच से हमें निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है तो कंप्लीट 10, तो 10 इंटू वन पिच लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल लेंथ लिख सकते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो टोटल लेंथ ही तो पूछा है, तो टोटल लेंथ को क्या लिख देंगे आप, 10 इंटू दैट पिच। अब देखो 2 पाई एम अपॉन क्यूबी इज द टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी एक्स पे जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए आप, इट इज वी कॉस 60 डिग्री, हो जाएगा। तो ये करते ही आ गया, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये पहुंच जाएंगे, दिस वुड बी द रिजल्ट। कोई भी प्रॉब्लम है? हाँ, तो ये आप बहुत इजी था, मुश्किल था ये मत बोलिए, आप ये बोलिए कि आप क्या करते हैं वो देखिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। 4 इंटीग्रेशन 5 वेरिएबल है ना भाई, थोड़ा ढंग से अगर तैयारी करोगे तो बड़े आराम से काम हो जाएगा, जबरदस्ती के पंगे पालोगे तो नुकसान होगा। ठीक है, चलिए देखिए सवाल, जल्दी जल्दी देखते जाइए, एक भी चीज देखिए जो बेसिक से अलग हो, तो थोड़ा इस पैटर्न पे जाके समझ लीजिए और कर लीजिए। 25-30 दिन बचे हैं, ठीक है ना, 25 दिन का टाइम बचा है आपके पास। अनअकैडमी चैंप वाला जो एक मामला है वो बहुत सीरियसली बहुत शानदार मौका है वो आपके लिए, मतलब 6 मंथ्स की स्कॉलरशिप के साथ बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं बॉस। तिलक वर्मा जी, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करें तो कॉन्फिडेंस आएगा, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आ जाएगी, सब हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है इन्वॉल्व, अब इसमें देखो फिर बेसिक फंडा, उसमें कह रहा है फलाना फलाना हीट हो गया जी, एक फलाना हीट हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये हो गया ये, तो अब अगर हम यहाँ पे वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन पूरे लूप में देखे डेल यू क्या होता है, 0। तो नेट हीट जो होगा, नेट हीट होगा वही क्या हो जाएगा, वर्क डन के बराबर चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो इसको मैं लिख दूं 1915-40+125-Q, माइनस रखता हूं तो अपने आप रिजल्ट आएगा जिसका मैग्नीट्यूड हम बोल देंगे, इतना हो जाएगा। और हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम कितना हो जाएगा, 1915+125, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हो तो एफिशिएंसी के लिए क्या लिखते हैं, आउटपुट विच इज वर्क डन अपॉन इनपुट विच इज हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। अगर परसेंटेज में होता तो 100 से लिखते, नहीं तो सिंपली ऐसा ले, अच्छा परसेंटेज में 50% × 100 कर सकते हैं, इसको आप लगा दोगे, सारे वैल्यूज पुट कर दोगे, ऑलरेडी माइनस हमने लिखा हुआ है, सो विल बी गेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, सो 980। समझ आई बात बॉस, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए जी, तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाएं, ठीक है। देखिएगा इसको, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n+1th level to nth level, ठीक है। n बहुत ज्यादा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू, जल्दी फटाफट देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होना चाहिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होना चाहिए जी। ठीक है, जल्दी करिए, आप अगर वैसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ये मामला, इसको भूलिएगा मत। कई बच्चे इसमें n स्क्वायर लिख रहे हैं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, कई बार गणित का चक्कर ऐसा लग सकता ना, यस, कई बार गणित का चक्कर लग सकता है बॉस जी। इसमें आपको क्या करना है,
हमें क्या करना है, तो सीधा फॉर्मूला लगा, अच्छा ठीक है ऐसा हो गया, जो कुछ भी लिखेंगे सब कांस्टेंट ही तो आएगा, तो वो यहाँ से कूद करके उधर गया, तो आप देखोगे ना माइनस में होता है, तो हम लिख सकते एच, फ्रिक्वेंसी निकालना है एफ, ठीक है, सम कांस्टेंट होता था, सिर्फ दिखना है तो हम कांस्टेंट को कुछ एज्यूम कर लेते हैं के। अब यहाँ पे वन अपॉन एन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वेयर रखोगे क्या, बस हो गया। अब यहाँ से सब कुछ कांस्टेंट फॉन्स्टेंट जाना है, तो यहीं से अब चेक करो, तो ये एन स्क्वेयर हो गया एन प्लस वन का स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखोगे क्या होगा, एन स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वेयर, ये और ये चला जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, ये अगर नहीं लिखा होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन ये लिख दिया है तो ये वन तो टू एन अपॉन एन पावर फोर, तो एन एन कैंसिल हो गए, तो एफ इस पे जाएगा, ठीक है। अच्छा और बड़ा कर दूं क्वेश्चन, अब ठीक है, अब तो ठीक है, मेरे ख्याल से अब ठीक है। अब विजिबल है, अब ये विजिबल है, ठीक है, यस सर, ठीक है। अच्छा ये दो बार आ गया, अरे दिलखुश भाई क्या हाल चाल है, दिलखुश, दिलखुश जी, आराम से करते चले, बिल्कुल होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात, एन बहुत ज़्यादा था लक्ष्य वन से, क्वेश्चन में गिवन था, इसीलिए हमने यहाँ पे वन प्लस टू एन को एन लिख लिया, टू एन, और एन प्लस वन होल स्क्वायर को एन स्क्वायर लिख दिया, तो एन अपॉन एन फोर मिला, वन अपॉन एन क्यूब लिख दिया, समझ आ गई बात, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी क्या करोगे आप, अगर आप सोचिए तो इसमें क्या कह रहा है, कोई पंगा ही नहीं है कि भाई 16 फ्रिंजेस किसी सर्टेन लेंथ पे, ये कलर क्यों नहीं चेंज हुआ भाई, ठीक है, किसी सर्टेन विड्थ पे, मान लो ये विड्थ कुछ W लिख दिया या Y नॉट लिख दिया, तो हम लोग लैम्डा डी बाई डी लिखते हैं, अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें तो फ्रिंज विड्थ इनटू टोटल विड्थ इक्वल्स टू नंबर होगा क्या, तो ये फ्रिंज विड्थ है, एक फ्रिंज की विड्थ है और ये टोटल विड्थ है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, सॉरी इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर से, तो मान लो शुरुआत में एन वन हुआ, तो नंबर से मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा। जब लैम्डा बदल दिया, सिर्फ लैम्डा ही बदल रहे, 16 फ्रिंजेस थे शुरुआत में, सो एन वन इज 16। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ सेकंड, तो लैम्डा वन है, दूसरे में लैम्डा टू लिख दीजिए, तो लैम्डा टू डी बाय स्मॉल डी, अब एन बदल जाएगा, एन टू लिख दीजिए, उतने में ही, मतलब ये विड्थ उतना ही रखेंगे, मतलब ये होगा कि इसमें फ्रिंजेस बने, कट 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 ऐसे फ्रिंजेस बने, तो सारे फ्रिंजेस को अपने ऐड किए भाई, ऐड करके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइए। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो एन टू निकल आएगा क्या, और 28 पे पहुँच जाएंगे, समझ आई क्या बात, समझ आ गई बात, वेरी गुड, अति उत्तम। अब ये जितना फोटो मुश्किल लग रहा है, इतना कुछ होना नहीं चाहिए गुरुदेव। चलिए देखिए, फटाफट देखिएगा, आदित्य अभी पूरा दिख रहा है बॉस, मेरे को दिख रहा है मोबाइल पे, अभी पूरा दिख रहा है बेटा,
दिख गया आप क्वेश्चन? अब दिख गया प्रागी जी, आप ऑनेस्ट हो, इंटेलिजेंट हो, इनोसेंट हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, पिछला समझ आ गया था पॉल साहब, अब इसमें क्या कह रहा है कि अ पोटेंशियोमीटर वायर पी क्यू ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है। तो ये जो 1 PQ है, 1 मीटर मतलब इसको 100 सेंटीमीटर कह सकते आप, इसको E1 से कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। अनदर सेल E2, अभी इसको E2 से यहां से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। द नल पोजिशन इज ऑप्टेड, अब नल पोजिशन कहां पे आ रहा है, 49 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू। तो बेटा ये अगर 49 सेंटीमीटर है तो ये पक्के तौर पे 51 सेंटीमीटर होगा, और 51 सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो इतना होगा, क्योंकि इसमें कोई करंट चल नहीं रहा है, तो जो EMF इसका होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या, अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपली होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, तो 1 पॉइंट अपॉन लेंथ कर देंगे। समझ आई बात केशव? बिल्कुल सर, ठीक है, बात समझ आ गई। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये देखो, देखने में ऊंट है लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं बॉस, जल्दी क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? चलिए जल्दी कर लीजिए, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा अभी। हर्ष, अभी मैं नीचे छुप गया, अब नहीं आएगा। पहला ऑप्शन बस मेरे सर्प के पीछे आ रहा होगा, वो मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज बी सी एंड डी। लक्ष्य फिर से सोचिए बेटा, वेरी गुड इवनिंग लक्ष्य, फिर से एक बार सोचिएगा लक्ष्य, एक बार फिर से देखो यार, सिंपल तरीके से सोचो ना कि भाई डिस्प्लेसमेंट टी जीरो पे मैक्स पे है। अगर हम लोग SHM की बात करते हैं तो ए के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर तो ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। मीन पोजिशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, इधर जीरो लिखते हैं आप। अब इस पॉइंट से सोचना शुरू करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर, मल्टीपल बना दिया है इसको, द फोर्स इज जीरो एट 3t/4। तो बेटा 3t/4 पे एक्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब फोर्स जीरो है, बिल्कुल सत्य वचन है। द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी, क्यों भाई टी, टी यहाँ पे है तो भाई डिस्प्लेसमेंट मैक्स है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन मैक्स होगा, क्या गलत लिखा है। द स्पीड इज मैक्सिमम एट t/4, तो t/4 इज दिस पोजिशन, इस पॉइंट पे मीन पोजिशन पे है तो बिल्कुल वी मैक्स है, तो कोई परेशानी नहीं है। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेशन t/2। अब ये फंसाने वाली चीज थी t/2, तो t/2 के हिसाब से अगर देखोगे तो t/2, अब देखो t इक्वल्स टू t/2 अगर लिखा आपने तो देखना ये t/4, ये 2t/4, तो यही t/2 है। तो देखना t/2 पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो किसी बीच वाले पोजीशन पे होता है, जब a की वैल्यू a/√2, x की वैल्यू a/√2 हो जाती है, तो ये होने का चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि p और ke बराबर होने के लिए आप a² = kx² लिखते हैं, ठीक है। ये शायद आपको नहीं दिख पाया होगा, ठीक है।
और अब जब आप यहाँ से लिखोगे तो x की वैल्यू a बाय रूट टू जैसी आनी चाहिए, तो वो t बाय फोर पे होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो a b c सही होना चाहिए, सो a b c, a b एंड c, सो दिस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यस हर्षित, सारे सारे गुड हैं, आप अगर गुड होकर के करोगे तो सारे ही गुड हैं बॉस। जल्दी करिए, फटाफट करिए। हाँ बिल्कुल हर्षित, आप अगर मन से दिल से करेंगे तो सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो लॉजिक गेट बड़ा सिंपल तरीके से सोचते चले जाएंगे आप, है ना, तो तुरंत ही निकल आएगा, मतलब कोई पंगा ही नहीं आना। आप अगर ट्रूथ टेबल बना लें तो कोई परेशानी ही नहीं आनी। देखिएगा इसमें आप सिंपल सी चीज करें, डिजिटल सर्किट, अब इसमें कह रहा है व्हेन द इनपुट ए बी आर इतना इतना इतना, तो इन्होंने तो ट्रूथ टेबल ही बनाने को कह दिया बॉस, इन्होंने तो ट्रूथ टेबल ही बनाने को कह दिया है। ए बी जीरो जीरो है तो ए बी आर 10, तो 10 बनने का मतलब, जैसे एक मैं बता रहा हूँ फिर अपने आप सेट करिएगा, अगर हमने 1 रखा यहाँ पे तो बॉस यहाँ पे 1 आया कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको भी 0 रखा है, फर्स्ट में इसको 0 रखा है, तो इसको 0 रखा तो ये 0 आया, तो आना 0 चाहिए था बट नॉट लगा हुआ है सामने, तो ये 1 आया फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ। फिर अब देखो इसका हो गया 1, यहाँ से देखो ये 1 आया है, ये 1 आया और यहाँ से 0 गया, तो 1 आया और यहां से 0 गया, तो यहां से 1 आ गया, लिख सकते हैं यहां से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो ये भी 1, तो ये 1 यहां निकल के आ जाने दो, ये भी 1 इसको निकल के आ जाने दो, तो यहां पे भी 1 आ गया, 1 और 1 1 आना चाहिए था, सामने नॉट लगाए तो 0 आ जाएगा, तो भाई इसके लिए 0 आ गया। तो सिमिलरली इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए भी 0 आ जाएगा, इसके लिए चेक करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसके लिए चेक करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। मेथड क्या था, समझ आ गया? शुभम सिंह जी अभी तो फिलहाल सारे को बैचेस हैं, ठीक है, समझ आई बात? शुभम बिल्कुल, शुभम जी यहां पर बात समझ आ गई क्या? अगर आ गई हो तो एक बार कंफर्म करें प्लीज। एक बार बात समझ आ गई तो कंफर्म करें फिर आगे बढ़े हम लोग। वेरी गुड। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में कई बार देख करके समझ आता है, अदरवाइज फंडामेंटल, जो फंडामेंटल क्या ही कहोगे, बेसिक तरीका जो है, जो एकदम प्रूवन एक जो तरीका है उसके हिसाब से चलें तो देखिए ई निकालना है तो हम कुछ करेंगे नहीं। ई इक्वल्स टू सम के पी पावर ए, ए पावर बी एंड टी पावर सी कर लेंगे और ए बी सी कैलकुलेट कर देंगे डायमेंशनल मेथड, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख करके। समझ आ रही है बात? तो मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे, तो इसमें कुछ पंगा ही नहीं, अगर इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये थर्ड आना चाहिए। ठीक है, जल्दी देखिए, अब ये आप पहुंच गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखिए दो तीन चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, कहीं भी किसी आरे तिरछे पार्ट से सवाल नहीं पूछते, जो स्ट्रेट फोकस पे रहने वाला, जो मोटे मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट्स हैं वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले आप उन सारे मोटे कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त कर लो, फिर दाएं बाएं झांकने की कोशिश करना, ये तो पक्के तौर पर करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा है कि आप डिराइव फॉर्मूला मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, बट पहले हर चैप्टर के जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसको सबसे पहले कवर कर लो, तो एक सर्टेन जो कहते हैं एक थ्रेशोल्ड से ऊपर वाली चीज सिक्योर कर लेंगे आप। जी शक्ति सिंह जी, ठीक है, अब इसको देख लीजिए।
अब कह रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल रेडियाई आर एंड आर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इफ द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑन द टू शेल्स आर इक्वल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। अब आप देखो दोनों पे इक्वल चार्ज है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, तो कॉमन सेंटर पे क्या हो जाएगा? इतना मुश्किल कुछ भी है? अब अगर मान लो कि इस पे क्यू है बॉस, तो इस पे भी क्यू लिखेंगे। क्या पूछा? क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड कैपिटल आर इफ द सर्फेस चार्ज सॉरी डेंसिटी डेंसिटी बराबर है बॉस, तो डेंसिटी बराबर है, तब थोड़ा सा गणित बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हमने रो लिख दी, तो इसमें भी रो आ जाएगा। तो आप एक चीज लिख दोगे कि 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डेंसिटी प्लस 4 पाई कैपिटल R स्क्वेयर इंटू डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल चार्ज। क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, तो ऐसा लिखने में मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया आपने, ठीक है जी। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा पहले की वजह से, कि इसको इसी को निकालना पड़ेगा। तो ये क्यू वन क्यू टू, तो के क्यू वन अपॉन स्मॉल आर और बार वाले की वजह से के क्यू टू अपॉन कैपिटल आर, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। समझ आई बात? तो ऐसा लिखेंगे अगर आप तो फोर्थ पे पहुंचेंगे। हाँ शुभ जी बिल्कुल ठीक है, वही लिखा आपने, वही लिखा, दोनों के डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी बराबर की, दोनों के चार्ज को कैलकुलेट करके ऐड किया और उसको टोटल चार्ज के बराबर लिख दिया, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इससे देखो पूरा पेपर देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर सही से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ई बी सी ये याद रखना चाहिए इसमें, कि ई क्रॉस बी जो होगा वो सी के तरफ जाएगा, ठीक है ना, सी के तरफ जाएगा। तो बस सिंपल फंडा, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ई क्रॉस बी का निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो द व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, तो ई क्रॉस बी, अब इसमें देखो ये ई क्रॉस बी निकाल दिया, अब इसका यही जो डायरेक्शन होगा टू प्रोपगेशन हो जाएगा क्या, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास फोर्थ रिजल्ट आ जाएगा। मुझे लगता नहीं कि यहां तक कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है यहां तक, अच्छा आपने क्या बोला R0, अब आ जाइए इस पे। ठीक है जल्दी फटाफट करिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाते रहें। अभी बिल्कुल पूरा क्वेश्चन से हो रहा है बॉस। शक्ति सिंह जी, हाँ पहला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है वो मैं मानता हूं। अब तो ये सीधा सीधा मामला होगा, अगर आप देखोगे तो एक स्मॉल पॉइंट मास कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, रिलीज फ्रॉम एज ऑफ द टेबल, रिलीज किया मतलब यू जीरो कर दिया, एक फोर्स इधर लग रहा होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा जो वेट होगा। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ, इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा और वही रिजल्टेंट जो होगा उसी तरफ पार्टिकल चलेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसी तरफ चलता जाएगा जब तक कि जमीन पे टक्कर ना हो जाए। समझ आई बात? तो मुझे लगता नहीं कि यहां तक कोई भी दिक्कत हो। ठीक है चलिए फटाफट करते जाइए। ये मैं हिंट दे रहा हूं बॉस, है ना, अगर मीन फ्री पाथ की बात करें तो ये लिखते हैं, ठीक है। एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। डी क्या हो गया? डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है सर जल्दी करिए। तो मीन फ्री पाथ ये हो गया, और अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे भी आप देखते होंगे
कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो जल्दी कोलिजन होना शुरू हो जाता है, तो द मीन कोलिजन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है। और मीन फ्री पाथ, उससे इसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं आया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया तो ये मीन फ्री पाथ अनचेंज रह जाएगा। तो अगर ये दोनों सही है तो ए और डी तो अपने आप गलत साबित हो गया है ना, तो बी और सी दे दीजिए। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, चलिए जी ये सवाल भी दिखना चाहिए आपको। चलिए जल्दी, बिल्कुल करनी चाहिए अमन, बिल्कुल करनी चाहिए अमन, बट वो भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, कि टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ज्यादा टाइम ना चला जाए इधर उधर। जी सर, सेकंड शिफ्ट का है। सर जी ये कि कौन से टॉपिक पे कितने सवाल लगाने हैं, कौन सा रिलेवेंट है, कुछ क्वेश्चंस इररिलेवेंट है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है। तो ये बॉस क्वेश्चन दिख रहा है सबको, क्वेश्चन दिखा, हाँ बिल्कुल करवाएं सिबू जी, बहुत सारे सवाल करवाएं। हाँ और डिपेंड करेगा टॉपिक पे, डिपेंड करेगा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन, आप कितना कंफर्टेबल हो उस टॉपिक में, उस पे डिपेंड करेगा। तो बहुत सारी चीजें आएंगी। अब इस पे देखो, यहां पे क्या करेंगे आप कि देखो ये है, तो सीधा आप इसको दो पार्ट में ऐसे ले गए, एक इधर, इधर और इधर, तो इसकी वजह से देख लिया तो K की तरफ चला गया हमारा, और कितना हो गया A into B into करंट, और अगर उसकी तरफ से देखें तो Y की तरफ आ गया, फिर A into B into करंट, और किधर आया, Y की तरफ आ गया। लिख सकते हैं, तो कैसे लिखा आपने, बात समझ आ गई तो कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो कैसे लिखा है, क्या लिखा है, पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, अच्छा तो मैग्नीट्यूड यहां से डायरेक्शन निकालना है, तो फिर यहां से ये लिख करके अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेगा, तो वो अलग अलग पूछ रहे हैं, तो आप यूनिट वैक्टर निकालिएगा, ठीक है, और रूट में लिख देंगे दिस स्क्वायर प्लस दैट स्क्वायर, तो हमारा फिर मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, बातें समझ आई सबको, तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे पहुंचोगे जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही है आपको। लक्ष्य बंसल, थैंक यू वेरी मच जी, और आप प्रोफाइल पे, मेरे प्रोफाइल पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, तो अभी रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन भी मैं स्पेशल पे सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना, एंड कहीं पे भी कोड की जरूरत होती है यू कैन यूज माय कोड विच इज पंकज लाइफ। अच्छा अगेन मैं करा देता हूँ बॉस, अगेन ये है कि आपने एक लूप बनानी है ऐसा, तो हमने अगर ऐसा लूप बना दिया और ऊपर एक अलग सा लूप था, ठीक है, तो यहां से देखो ये क्या होगा, ऐसा था, तो ऐसा बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं, तो दो इंडिपेंडेंट सा दिख गया, तो इसके लिए मैंने अलग से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया, और इसके लिए हमने अलग से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया। अब मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्ट में क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर, तो रूट टू ए बी आई हो जाएगा। सो रूट टू ए बी आई इज द मैग्नीट्यूड, एंड ये वेक्टर अपॉन ये कर दोगे तो देखते ही पता लग जाएगा कि ये हो गया, क्योंकि बीच में ही निकलेगा ये, इस तरह बिल्कुल निकलेगा, तो जे और के, समझ आई बात, बिल्कुल सुकून में मामला।
अरे डिसलाइकर्स कौन होते हैं यार आजकल? जल्दी देखिए, नेक्स्ट पे आ जाइए आप। अब अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है ना, 5 times एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब VE का 5 times उसकी वेलोसिटी होगी। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेब लेंथ, अब डी ब्रॉगली वेब लेंथ को एच अपॉन पी लिखोगे क्या? तो भाई λ1 = एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे का एच अपॉन मास ऑफ दैट पार्टिकल इंटू 5 इंटू, बस अब इसको डिवाइड करते ही आंसर तक पहुंच जाएंगे क्या? इसको डिवाइड करते ही आंसर तक पहुंचोगे शक्ति जी? समझ आई बात? पता नहीं शक्ति सिंह जी, पता नहीं, यहां तक बातें समझ आई क्या? जल्दी करिए। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल लक्ष्य, बिल्कुल। प्लस पे तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, अभी 1 तारीख से जो शुरू होगा फेब्रुअरी में, वो तो मिक्स्ड डेली बेसिस पे हम 15 कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे होंगे, और कोशिश करेंगे कि 3 डे मिक्स करके पूरा सिलेबस, फिर नेक्स्ट 3 डे में पूरा सिलेबस, फिर नेक्स्ट 3 डेज में पूरा सिलेबस। अब यार इसमें कोई पंगा ही नहीं है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई सेम एज दैट एट डेप्थ और हाइट, तो हाइट और डेप्थ दोनों जगह, तो हाइट के लिए तो हम सिंपली लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। गलती से भी यहाँ पे 1 - 2h और h अपॉन r वाला नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत हाइट है तो फिर हम उसको नहीं लिख सकते, वो तो मैनुअल तुम अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखते हो। और यहाँ पे क्या हो जाए, अच्छा यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला याद रहता है आपको तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 - h/r, तो फिर काम बन जाएगा। तो जी एम बाय, इसको भी हम कन्वर्ट कर दे उसी में, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जी एम बाय r³ r - h, ठीक है, तो ये कहानी बननी चाहिए। अब इसको बराबर कर दो, अब यहाँ से लिख दीजिए जो भी h निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक है जी। तो यहां पे क्या ध्यान रखना था समझ आ गया? यहां पे क्या ध्यान में रखना था समझ आया? कि 1 - 2h/r वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होगी। अब आप ही देखिए कि क्या पूछा है, कैसा पूछा, क्यों पूछा। चलिए जल्दी आ जाइए। हो जाए तो बताइएगा मुझे। हाँ राइट साइड लिख सकते थे, तो राइट साइड लिखते तो बेटा राइट साइड में फिर तो कैंसिल वैंसिल करने के लिए लिखना, राइट साइड में कोई परेशानी नहीं,
अगर आप वो 1-H/R लिख, बिल्कुल धूमधाम से लिख सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन फिर कैंसिल वैंसिल करने के लिए हमने फिर लिखना ही पड़ेगा, तो GMRS, इसलिए मैंने सर राइट साइड बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, कोई कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ठीक है, टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50, तो आप 10 × 50 माइक्रोकूलम कर देंगे। सोर्स वोल्टेज इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल, इसको C1 अगर मान रख दो तो इसको C2 से कनेक्ट कर दिया। तो बस आपको एक ही चीज ख्याल रखना है कि आइसोलेटेड ये पार्ट होगा तो चार्ज बराबर होंगे, तो ये जो शुरुआत में चार्ज थी 10 × 50 ये फाइनल चार्ज, तो फाइनल पैरेलल कनेक्शन है, तो कनेक्शन के C1 + C2 × फाइनल पोटेंशियल लिख देंगे क्या, और फाइनल पोटेंशियल 20 दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे लिखते ही बन जाएगा, तो आप फोर्थ पे पहुँच जाओगे। समझ आई बात? जी सर, अब देखो ये एसी का अब आप खुद ही बता सकते हैं कि कितना मुश्किल और कितना आसान है, ये आप देखते ही बता सकते हैं कि कितना मुश्किल और कितना आसान होगा। देखो जल्दी समय हो रहा है, फटाफट मैं बता दूं, एन इंडक्टेंस कॉइल हैज अ रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस दिया हुआ है, व्हेन एन एसी सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी फलाना इज अप्लाइड टू द कॉइल द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल इज, बात समझ आ रही है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल इज, तो यहां पे जो है टोटल रिएक्टेंस को आप इंडक्टेंस है तो ω × L R² लिख दोगे क्या? मुझे लगता नहीं कि यहां तक कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, यहां तक बातें समझ आ रही है, और टेन थीटा अगर आप लिखेंगे तो ये ω L/R लिख दोगे, बस इतनी सी बात करनी है, टू पे पहुंच जाएगी गाड़ी। तो एकदम सा सिंपल फॉर्मूला अगर आपने पता रखा हुआ है तो काम बन जाएगा, अप्लाई टू द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री, बहुत सिंपल मामला, ठीक है जी। कैसे समझे आप? तो ये ऐसा लिख दिया, रिजल्टेंट वोल्टेज इधर गया, करंट जो है आर के साथ होगा तो हो गया, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी देखिए, फटाफट देखते जाइए, अब मैं सब जल्दी करवा ही दूं। वायर है, डेंसिटी गिवन इज स्ट्रेस बिटवीन टू क्लैंप्स, ठीक है, 1 meter लेंथ है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द, अच्छा ये देखो दिया हुआ है द नियरेस्ट इंटीजर, तो देखो वायर ऑफ डेंसिटी गिवन है भाई, ठीक है, तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे क्या? वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे? y/, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब आप देखो दोनों फिक्स्ड एंड है, अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो हम ऐसा सोच सकते हैं क्या, ये लैम्डा हो जाएगा λ/2, तो λ/2 = 1 लिख सकते हैं। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फ्रिक्वेंसी लिख दीजिए, ठीक है, तो v/λ, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, काम निकल आएगा। तो अगर आप इसको करेंगे ऐसा तो जो आपको वैल्यू मिलनी है ये 35 मिल जाएगी। समझ आया क्या? अभी दिख रहा होगा बेटा क्वेश्चन, अभी दिख रहा होगा क्वेश्चन, बिल्कुल जल्दी जल्दी फटाफट कर दीजिए तो कोई दुविधा वाला कोई सवाल ना रहे, ठीक है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ क्या करना है, मूविंग, अब इसमें देखो ये ऐसा ऐसा जा रहा है, मोमेंटम कंजर्व करा दीजिए, इलास्टिक कोलिजन है विद अ पार्टिकल मास इंटरेस्ट बनाना, इफ साइन थीटा देन वैल्यू ऑफ एन, तो आप यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है, तो आप मोमेंटम कंजर्व करा दीजिए, है ना। तो m1 अगर ऊपर m गया और इधर m है तो m1 में लिख दे रहा हूँ, वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा,
साइन थीटा वन वी वन शुड बी इक्वल टू एम टू साइन थीटा टू इन टू वी टू, ये लिख सकते हैं, के इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल लिख सकते, तो यहाँ से देखेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब ये एकदम सा क्वेश्चन ऐसा जो आप लगातार करते रहते हैं, बस यहाँ पे स्क्वेयर दिया हुआ, ये भी आपने क्लास में किया हुआ होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, जब भी हमें सेंटर मास निकालनी है, ठीक है ना, तो सेंटर मास निकालने वाई पे कोई फ़र्क आएगा नहीं, आप मास निकालने का चक्कर ही मत रखो, सीधा एरिया से भी लिख दो, है ना। तो टोटल एरिया इंटू ज़ीरो प्लस माइनस एरिया ऑफ स्क्वेयर इंटू, अब ये एल बाई टू है और ये डी पे है, ए नॉट माइनस ए एस, बस बिल्कुल ऐसा कर दीजिए, ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा, ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा, ये आपका समय बचा के देगा, जब इस तरह से सॉल्व करेंगे जो भी निकालना वो 23 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, एक स्फीयर है, ठीक है, अब इस स्फीयर में देखेंगे अ लाइट रे एंटर्स द सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 degree। ठीक है, द रे इज बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द फादर पॉइंट, तो जितने एंगल पे गया होगा उतने ही एंगल पे ऐसा आएगा, तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड, अच्छा ये पूछा गया है बस, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से थीटा वन निकल आएगा, ये अब इस ट्रायंगल में जाके ये एंगल निकल आया, इस एंगल के थ्रू ये एंगल निकाल देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, इनफैक्ट दोनों बराबर हो जाएगा, अगर आप यहाँ से देखोगे तो दोनों ही इक्वल जाएगा, ये दोनों, इसको अगर हमने थीटा टू लिख दिया तो ये भी थीटा टू लिख देंगे, अब इसके अकॉर्डिंग आप ये निकाल लोगे, तो इसको लिखते ये टोटल एंगल मिल गया, मतलब 180 माइनस थीटा टू माइनस ये वाला एंगल थीटा थ्री। ठीक है, यहाँ पे एक स्नेल लॉ लगेगा, स्नेल लॉ लगाइए तो फाइनली थीटा कितना आ जाएगा, 90 degree। ठीक है भाई, एंड फाइनल सवाल ये जल्दी बताइए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एन आइडल सेल ऑफ EMF 10 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सर्किट ईच रेजिस्टेंस 2 ohm, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज, जब फुल्ली चार्ज होगा तो इस वाले ब्रांच में करंट गायब हो जाएगा, तो अगर इस ब्रांच में करंट गायब हो गया तो जो भी करंट होनी चाहिए वो इसमें होनी चाहिए, तो हमने यहाँ से I1 भेज दिया, इधर I2 भेज दिया, तो ये I1 इधर आएगा और यहाँ से फिर I1 प्लस I2 निकल आएगा, अब यहाँ से हमने I1 I2 दोनों कैलकुलेट कर लिया इस लूप में, तो इस लूप में देखेंगे यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस दिख जाएगा R2 I1 प्लस I1 प्लस I2 R4, इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कोड यूज करना मत भूलिएगा। ठीक है, और चैम्प अनअकैडमी चैम्प जो है जरूर दे दीजिए, मतलब टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए 6 months स्कॉलरशिप है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब टॉप टीम आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये टीम है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, ये ऐसा मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें, यूं करके देखना ऐसा, ठीक है, यूं ये टीम है, ऐसा देख लीजिए, पूरी टीम देखना चाहते तो ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 26 तारीख को टेस्ट है, अनअकैडमी ऐप पे जाकर भी लिंक दिया होगा अनअकैडमी चैंप का। ठीक है ना, 75 क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट्स का टाइम होगा, PCM होगा, इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्क्स भी होंगे, तो ये तो जरूर दे दीजिएगा। और आप देख लीजिए जो प्राइज मिलना है वो बहुत ही शानदार है, टॉप 100 को 6 months की अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिलनी है और 1-to-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो आप अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज़ माई कोड पंकज लाइफ PNKJLIVE।
ठीक है पंकज लाइव। अब एक और बैच शुरू हो रहा है एक्सपर्ट बैच, जो 26th of January से शुरू हो रहा है, वो जो जेई मेन एज वेल एज एडवांस्ड दोनों 2021 को टारगेट करता हुआ है, ठीक है। और इन सभी में हम कहेंगे ये कोड काम आ जाएगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक ऐसा नहीं किया आपने शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए फिर कैसा लगा लिखिएगा ज़रूर, फिर आपसे मुलाकात होगी, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, नहीं ठीक है, हैदराबाद रहिए, इलाहाबाद रहिए, नहीं ओके जी, जी सर। ओके ओके जी, ओके ओके सर, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए सब लोग।